चलिए हेडलाइन डालिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। आज ये न्यू टॉपिक का हेडलाइन डालिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में बाबू आज जो पढ़ाने जा रहे हैं थ्योरम वन, एंगल 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 सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी। एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो थ्योरम नंबर वन क्या कहता बाबू? ये कौन सा थ्योरम है? ये फर्स्ट थ्योरम है। देखिए बाबू, इफ इन टू ट्रायंगल corresponding angle are equal, then their corresponding side are, proportional and hence the triangle are similar, ट्रायंगल क्या होना चाहिए बाबू? सिमिलर होना चाहिए। इन्हें प्रूव करना है, ये प्रूव करना कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर उनका कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो उनका कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा बाबू? कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो बाबू, पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए बाबू, और एक ट्रायंगल लिए डी ई एफ। ये हो गया पी आर क्यू, ये पी क्यू हो गया बाबू। अब ध्यान दीजिए, लिख लीजिए गिवन में, लिखिए एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीई एफ। दो ट्रायंगल है ना बाबू, ए बी सी और डीई एफ, सच डैट क्या है बाबू? क्या दिया गया है? ऑल एंगल आर इक्वल ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये आपका गिवन है ना, ये आपका गिवन है बाबू। अब प्रूव करके क्या लाना है? ए बी सॉरी ट्रायंगल को सिमिलर बनाना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ लाना है। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल और सिमिलर ना, तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए,
पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन डीई एंड डीएफ सच डैट डीपी इक्वल टू ए बी एंड डीक्यू इक्वल टू ए सी ज्वाइन पी क्यू। क्या करो, ज्वाइन पी और क्यू को ज्वाइन कर लो। अब होगा प्रूफ में लिखो, बहुत ही आसान प्रूफ है, बहुत ही आसान प्रूफ है। कोई ट्रायंगल क्या करोगे, पहले ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीपी क्यू लो। क्या लो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीपी क्यू को क्या बनाएंगे, कंग्रुएंट बनाएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपी क्यू कैसे बाबू, देखो बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी किसके इक्वल है बाबू, डीपी के। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है। अब बताओ बाबू, ए सी इक्वल टू डी क्यू है, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया से, एस एस क्राइटेरिया हो गया ना बाबू, तो ध्यान दो, एस एस क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। इसको इक्वेशन वन मान ले। अगर बाबू ध्यान दो, अगर ए बी सी और डी पी क्यू दोनों कंग्रुएंट हो गया ना साइड एंगल साइड से, अगर कंग्रुएंट हो गया बाबू तो एंगल बी, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन था ना, ये आपका गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई क्या है, गिवन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई और एंगल पी इक्वल हो जाएगा। अब बताओ बाबू ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया बाबू तो देखो पी क्यू क्या हो जाएगा, ईएफ के पैरेलल हो जाएगा बाबू। अगर पी क्यू ईएफ के पैरेलल हो जाएगा बाबू तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल DEF में अगर PQ पैरेलल अगर EF हो जाएगा बाबू तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं, DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF कह सकते हैं। अब बताओ बाबू DP अपॉन DE ऊपर ही इरेज करते हैं, स्पेस का शॉर्टेज है, शॉर्ट है। तो देखो बाबू डीपी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है ना। अब बताइए एबी अपॉन डीई और डीक्यू किसके इक्वल है, एसी अपॉन डीएफ। बट अगेन कर लो, इसी टाइप से बाबू ए बी अपॉन डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन ईएफ के इक्वल आ जाएगा। देखिए इसी टाइप से ए बी अपॉन डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन ईएफ के इक्वल आ गया। अब ध्यान दो, अब वो कि सर ऐसा क्यों करवा, तो देखो क्या हुआ, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ईएफ और क्या था, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं, इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ लिख सकते हैं। साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया ना,
जब साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया बाबू तो ध्यान दो, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया ना, जब साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्यों कहता है कि अगर ट्रायंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है, अगर दो ट्रायंगल का कोरिस्पोंडिंग एंगल कब इक्वल होता है, जब उसका कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, तीनों का तीनों इक्वल आ गया ना, तो देखो कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल आ गया। अगर कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल आ गया बाबू तो हम इजीली क्या सकते हैं कि एंगल भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी एंगल तो इक्वल था ही। अगर एंगल इक्वल था तो हमने साइड को प्रोपोर्शनल लिया आया, तो जब साइड प्रोपोर्शनल आ गया तो एंगल भी तो इक्वल हो गया ना, क्योंकि ये तो इक्वल था ही, ये तो गिवन था कि कोरिस्पोंडिंग एंगल है गिवन। कब? जब उसका कोरिस्पोंडिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल तो एंगल भी, ये तो इक्वल गिवन था। अब बताओ बाबू, अब हम कह सकते हैं इतना के बाद कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, कह सकते हैं, हम कह दिए ना कि एंगल इक्वल हो गया, साइड प्रोपोर्शनल हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या आ गया, सिमिलर ट्रायंगल आ गया। ये प्रूव करके लाना था ना, आ गया बाबू। चलिए अब देखिए बाबू, फिगर सेम रहेगा बाबू, फिगर हम इरेज नहीं करने जा रहे हैं, फिगर इरेज नहीं करने जा रहे हैं। अब लिखो बाबू कोरोलरी क्या होता है, थोड़ा सा फिगर डिफरेंट है, थोड़ा सा कोरोलरी में ये नहीं होगा, कोरोलरी में इसको हटा दीजिएगा और बोथ आर सेम। तो कोरोलरी क्या कहता है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से किए बाबू, ये क्या किए, एंगल एंगल सिमिलरिटी से किए। अब कोरोलरी में क्या होता है, लिखो कोरोलरी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है बाबू, इसका स्टेटमेंट कहता है बाबू, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर, क्या कहता है, इफ टू एंगल, दो एंगल ट्रायंगल का कोई दो एंगल ले लीजिए, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, क्या है, इक्वल है, दो ट्रायंगल का, सॉरी दो ट्रायंगल का कोई दो एंगल, टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई दो एंगल क्या है, रेस्पेक्टिवली इक्वल है, टू टू एंगल ऑफ ए अनदर ट्रायंगल टू एंगल ऑफ ए अनदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल का दो एंगल के बराबर होगा, तो देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो बाबू प्रूफ करके बताते हैं कैसे, ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, यही ले लेंगे बाबू, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी टू एंगल सच डैट
एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ले लिए। अब बताओ कौन कौन सा एंगल लिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ले लिए एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ले लिए बाबू, तो देखो इंटर एंगल ए बी सी में ट्रायंगल में इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल डी एफ में भी वही काम होगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है क्या किसका, अनदर ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल। तो देखो बाबू एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ले लिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ले लिए। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बी गेट क्या पाएंगे बाबू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब बताओ बाबू एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये गिवन है ना, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ हो जाएगा। डी से डी कैंसल आउट हो गया बाबू, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया बाबू तो क्या दिक्कत है, तो ध्यान दो तो क्या गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई कैसे बाय साइड एंगल, साइड एंगल एंगल क्राइटेरिया लिख दो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। चलिए ये आपका क्या था बाबू, कोरोलरी था किसका, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बाबू सिमिलरिटी का ही नेक्स्ट थ्योरम करवाएंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।